हेलो वेलकम बैक टू ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल हैप्पी हेल्दी सेफ एंड साउंड सो गाइज आज की रीडिंग का टॉपिक है डेस्टाइंड पार्टनर हु इज़ इन योर डेस्टिनी ओके डेस्टाइंड पार्टनर कौन है सो so, जो भी एनर्जीज निकल कर के आएंगे आई विल टेल यू सो यहाँ पर दो पायल हैं पायल नंबर वन एंड पायल नंबर टू तो, दीज़ आर योर नेम नेमिशियल्स ओके okay, नेम नेमिशियल्स और जो लोग इंटली ग्रुप चूज़ करते हैं आपके लिए दो कार्ड्स हैं पाइल नंबर वन एंड पाइल नंबर टू ओके चूज यो पाइल आई सी यू ऑन योर रीडिंग टाइम स्टेप्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें एंड आई विल सी यू देयर Hello, number one Let's see what is coming for you. What is the energy around you? What is there for you? Okay, you're getting six of pentacles and three of swords. Your destined partner. Who is this person? Three of pentacles. Well, yeah, the energy? So, let's okay और जो एब्रप्ट एकदम से जो एनर्जी निकल के मेरे समझ में आ रही है दैट इज़ थिंग कि थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी में आप थे या वो थे ठीक है अब आप रेजोनेट कर लें कैसी सिचुएशन है मतलब थ्री ऑफ सोर्स की सिचुएशन वो होती है कि जिसमें बहुत ही आपको परेशानी या आप कह लो बड़ी इतना आप टायर्ड होते हो बहुत परेशान होते हो लग हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में लेकिन सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ पैंटिकल्स मतलब कोई आ कर के आपको हील करता है ठीक है मे भी आप किसी ब्रेकअप से सफ़र कर रहे हो लेकिन ये पर्सन ने आके आपको हील करा या करेगा ठीक है बिकॉज़ यहाँ पे थ्री ऑफ पैंटिकल्स बहुत ज़्यादा हाई इन्वॉल्वमेंट है आपके पर्सन का आपके साथ इस एनर्जी में कि आपके दिल को वो बिल्कुल रिन्यू करेगा और लाइक लिटरली जो भी आपको काम परेशानी है जो भी गाव आपके दिल पर मन पर लगे हुए हैं वो आ करके उसको सिक्स ऑफ पेंटिकल यू सी दिस इज़ अ गिवर दिस इज़ अ एनर्जी के जहाँ पर आपके पर्सन आपको मोहब्बत प्यार मोहब्बत ये सब चीज़ें देंगे ठीक है तो दिस तो इज़ अ फर्स्ट इंडिकेशन कि जो आ करके आपके दिल को संभालेगा आपके लाइक आपको रिन्यू करेगा बिल्कुल और काफ़ी हाई इन्वॉलमेंट है ये आसानी से नहीं होगा आई थिंक आपका हार्ट ब्रोकन जो आपकी सिचुएशन है वो बड़ी लंबे अरसे से चल रही है ओके okay? तो ये यहाँ पर सिचुएशन है कि वो जो वो जो लॉन्ग टर्म का आपका पेन है ना दैट इज़ गोइंग टू बी विद योर पर्सन ठीक है वो उसको समझिएगा और उसको आगे से आम, इसे कहते हैं लाइक आ किसी परस्यू उस चीज़ को करेगा और आपके मन को शांति देगा ये इसकी पहली इंडिकेशन है सिक्स ऑफ सोर्ड्स योर डेस्टाइंड पार्टनर एंड फोर ऑफ़ पेंटिकल्स पॉसिबिलिटी है पायल नंबर वन कि ये पर्सन अब्रॉड में या आपसे दूर रहते हैं आपके डेस्टाइंड पार्टनर काफ़ी दूर ठीक है और ये इंसान वेल ऑफ है फाइनेंशली वेल ऑफ है क्योंकि अलाट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जीज़ कमिंग अप जो कि यही शो करती है कि आपके पर्सन जो है अर्थ um, साइन हो सकते हैं टॉलस कैप्रिकोन वर्को इसके साथ साथ ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ हाई चांसेस हैं कि आपके पर्सन um, um, हो सकता है कुछ लोगों को आपको साथ इनके मूव मूव करना पड़े um, किसी दूसरी कंट्री या सिटी में जाना पड़े बिकॉज आई थिंक ये इंसान आपकी कंट्री सिटी से दूर है या बेशक रहता हो आपकी सिटी में लेकिन um, अभी राइट ना हो टली उनकी एनर्जी नहीं है आपके आसपास मतलब फिजिकल प्रेजेंस ना तो राइट नाउ दिस पर्सन इज मूविंग ऑन या स्टडी के लिए कहीं कहीं है गए हुए हैं कुछ एनर्जी है ऐसी द डेबल हु इज योर स्पाउ ट पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन कि कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट्स हों ये उनकी डार्क साइड हो सकती है ठीक है लेकिन उनके जो फ़ैमिली के इन्वॉल्वमेंट है ना क्योंकि इनकी फैमिली बहुत अच्छी है और बहुत ही कोऑपरेटिव है और इसकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट कुछ पढ़ पढ़ा के आई थिंक इन्होंने कुछ छाई हैं उनकी कुछ गलत आदतें क्वीन ऑफ वन्स गाइज हो सकता है ये पर्सन फॉर अ फ्यू ऑफ यू इसको इंटरेस्ट है उसमें फैशन इंडस्ट्री में uh, मॉडलिंग एक्टिंग में या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं कुछ ऐसे शौक़ हैं इनको या हो सकता है कोई रील्स वगैरह ऐसे बनाते हो उनको ये शौक़ चढ़ाए ठीक है।, <laughs> है लेकिन नाइन ऑफ शोर्स ये पर्सन की एनर्जी काफ़ी तक आ रही है क्योंकि डेवल भी था आई थिंक पॉसिबिलिटी है कि मे भी ये भी हार्ट ब्रोकन हो और आप भी हार्ट ब्रोकन हो दोनों तो दोनों जब एक दूसरे के साथ मिलोगे तो एक दूसरे को हील करोगे ठीक है हाई प्रिस्ट्रेस ओ माई गॉड टू मच एनर्जी इन हाई प्रेस्टस फीमेल फिगर इनकी मदर आपकी मदर या कोई एल्डरली पर्सन थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ये कि थर्ड पार्टी वो गलत वाली नहीं है दिस थर्ड पार्टी इज़ लाइक आप लोगों की वो कराने के लिए पैचअप कोई एल्डर की इन्वॉलमेंट रहेगी आप दोनों तो को मिलवाने में तेनो वैंस काफ़ी प्रेशर लिया हुआ है आपने या इन्होंने इस कनेक्शन को लेकर के काफ़ी ऐसे जैसे बहुत भारा वजन उठाया हुआ है बहुत भारी वेट उठाया हुआ है और चला नहीं जा रहा लिटरली टायर्ड ऑफ़ फाइव ऑफ पेंटर्स कुछ लोगों के केस में पॉसिबिलिटी है आपके पर्सन फाइनेंशियली अभी उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं जो कि जहाँ पर उनको होना चाहिए टू सेव या परस्यू दिस कनेक्शन ओके तो उसके बारे में हम देख लेते हैं कि मतलब उनकी क्या एनर्जी है क्यों क्या उनकी हर्डल्स uh, हैं क्या डिफ़िकल्टीज हैं क्वीन ऑफ़ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ वैन एग्जैक्टली करियर प्रॉब्लम्स हैं आपके पर्सन को आपके डेस्टेंट पार्टनर को जिस वजह से मे भी आप लोग अभी मिले ही नहीं या अभी मतलब यूनियन प्रॉपर नहीं हुआ शादी वगैरह नहीं हुई ठीक है तो ये पर्सन चाह रहा है कि सेल्फ उसमें आया हुआ है सेल्फ डिफेंस सेल्फ यू नो प्रोटेक्शन कि पहले मैं ख़ुद को तो उठा लूँ ख़ुद को तो सेव कर लूँ तभी जा करके आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें ठीक है लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की नजरिया ये बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं रहा ठीक है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं रहा दिस पर्सन इज़ लाइक के दिस पर्सन इज़ लाइक कि उनको पता है कि आप उन आपको आपसे शादी करनी है उनको पता है कि आपसे आप ही हैं उनकी लाइफ पार्टनर ठीक है और उनको ये भी पता है कि आप ही आप, आपकी ज़िम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी ठीक है ना उनको लेनी है लेकिन बात वो आती है ना कि पर्सन अभी खुद ही उस तरह नहीं हो सका स्टेबल तो वो क्या करे ठीक है लेकिन नाइन ऑफ नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी इसको जल्दी बढ़ी है ठीक है अब ये मैं सोचा जजमेंट यूसी कुछ लोगों के केस में आपके पार्टनर की प्रोफेशन ऐसी है या उसकी स्टडी भी चल रही है या कुछ इस तरह का सीन है कि जिसकी वजह से आपका पार्टनर आ, एक सर्टेन पॉइंट पर स्टक हो सकता है ओके लेकिन ये जो स्टक एनर्जी है दैट इज़ नॉट कि ये परमानेंट है ठीक है दिस इज़ एब्स रूडली टेम्प्रेरी थिंग ओके लेकिन ये पर्सन बेशक स्टक है जो भी है लेकिन जजमेंट के साथ आ, ये अपना फ़ैसला ख़ुद लेना चाहता है अब मे बी मे बी इसने पास में बड़े लोगों की बातें सुनी है, उनकी बातें मानी है, या दूसरों की बातों पे चलता रहा कहने के रिश्तेदार ये वो ठीक है लेकिन अभी ये चाहता है जजमेंट के साथ कि अपना फ़ैसला खुद ले नाइट ऑफ सोर्स मतलब काफ़ी अडल्ट हो चुका हुआ है ये मैंटली काफ़ी मचोर हो चुका हुआ राइट सो so, ये पर्सन आपको किसी तरह खोना नहीं चाहता और या लेट्स यू बट एल्स इज अप फॉर योर डिस्टाइन पार्टनर टू ऑफ कॉप सोल एनर्जी है दे कैन बी योर सोलमेट या रिसेंटली आप मिले हैं इनसे इनका टैंपरामेंट अगर हम पर्सनैलिटी की बात करूँ तो ये पर्सन बैलेंस्ड पर्सनैलिटी का है सजिटेरियस एनर्जी है या जॉली नेचर हो सकता है इनको पार्टी आ, इनको मज़ा करना लाइफ में ये सब चीज़ें काफ़ी पसंद है टावर एंड स्ट्रेंथ पॉसिबिलिटी है रिसेंटली इनका ब्रेकअप हुआ हो जब ये बंदा आपसे मिले ना रिसेंटली इनका कोई रिलेशनशिप टूटा हो किसी की अपने की डेथ हो सकती है या हो सकता डिवोर्स हो या ब्रेकअप हुआ हो ओके लेकिन स्ट्रेंथ का कार्ड साथ ही जो आया है ये इंडिकेट करता है कि ये पर्सन बेशक जो भी सिचुएशन रही है लेकिन इसने अच्छी तरह से इसको हैंडल किया है और ये करेगा बल्कि इसका जो जो रिश्ता टूटा है इसने इसको उल्टा स्ट्रेंथ ही दी है ठीक है तो कोई रिलेशनशिप इनकी लाइफ से गया है अगर आप रेजोनेट करना चाहें ये कौन है कौन नहीं ओके सी फ्रॉम ऑरेकल से देखते हैं कि द डेस्टाइन पार्टनर क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की अनरिपीटेड लव देखा इनको ये किसी ऐसे कनेक्शन में है ये किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ से इनको वो नहीं मिला जो ये चाहते थे ठीक है तो आई थिंक दिस पर्सन इज एंडिंग दैट कनेक्शन और या फोगनेस खुश केस में गाइस फॉरगिवनेस आ रहा है मे बी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं या चाहते हैं कि आप इनको फॉरगिव कर दो एंड स्पाउस दे वांट टू मैरी यू ठीक है दे वांट टू मैरी यू वेल आई थिंक काफ़ी प्रे वग़ैरह ना ऐसे कर रहे हैं आजकल के आ, जैसे कुछ लोग होते ना फास्टिंग करके प्रे करते हैं कुछ लोग कुछ यू नो कोई व्रत रखा कुछ आ, कुछ कुछ भी रिलीजियस इनकी प्रैक्टिस जो भी है ऐसे कर कर, कर के ये प्रार्थना दुआ करते हैं आई थिंक इनको मून गेजिंग बहुत पसंद है या रात को ये बहुत सोचते हैं आपका या यू नो अक्सर लोग सितारों को देख कर या चांद को देख कर दे लिटरली इमेजिन यू ठीक है गाइस ये जो भी पर्सन है ना काफ़ी धार्मिक सा है काफ़ी रिलीजियस सा है ट्रेडिशनल कल्चरल भी हो सकता है लव तो है गाइस दिस इज़ योर ट्रू लव ठीक है ओके ऑर्फन एनर्जी है कुछ लोगों के केस में हो सकता है इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई भी हो या इस तरह फादर एनर्जी है मे बी दिस इज सिंगल फादर या आपके फादर का इन्वॉलमेंट हो सकता है इस मैरिज में या उनके फ़ादर का हीलिंग hmm, एनर्जी है मेडिसिन मैन या मेडिसिन वूमेन दिस विल बी द वन जो कि आपको हीलिंग देगा लाइफ में अच्छा इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा है मदर ओ माई गॉड दिस इज़ द फादर एंड द मदर एनर्जी लाइक वाट ह्यूज पेरेंट्स इन्वॉलमेंट है ह्यूज पेरेंट्स इन्वॉलमेंट हैं दोनों साइड से मदर एंड फादर दोनों की ठीक है एक और भी यहाँ मैसेज है कि मे बी दे सी यू एज द मदर और फादर ऑफ देअर फ्यूचर चाइल्ड ये भी हाई एनर्जी है यहाँ ग्रुप नंबर वन लेट्स वट्स हैपनिंग इन देअर लाइफ राई नाउ लेट्स सी आपके डिस्टेंट पार्टनर की लाइफ में भी क्या चल रहा है पर्सनल हीलिंग एंड हैपीनेस थर्टी फोर ईयर्स ऑफ एज हो सकते हैं आपके पर्सन यहाँ आप गाइज अभी अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन ना और ब्रोकन हार्ट मैंने बोला ना इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि जो नहीं होना चाहिए गैन ये अपनी लाइफ को इमेजिन करते हैं कि आगे जाके ठीक हो जाएगा सब कुछ आई थिंक इनकी पार्टनर है ना जिसके साथ हैं अभी कोई बड़ा धोखा दिया है या दिल इनका बड़ा तोड़ता है ये पर्सन तो इसको लेके काफ़ी लाइक एनर्जी ओम धोखा मे बी इसके पार्टनर इसको धोखा दिए इनको कुछ बड़ा पता चला है उनके बारे में इसकी वजह से बंदा बिल्कुल ही एक्शन गाइस ये हो सकता है ये पर्सन एक्शन लेना चाहता है लाइक सही है ना सन ये वर्ल्ड एक ब्रॉडर विज़न हो गया वह अब इसका पहले ये बिल्कुल एक कन्फाइंड सी सोच सोचता था कि ये तो वो लेकिन आई थिंक आप उसको देखने के बाद असम्भव मुझे ऐसे फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको देख लिया हुआ है आपको मिल लिया हुआ है तो आपको देखने के बाद उनको लगा कि नहीं आई डिज़र्व दिस टाइप ऑफ पार्टनर तो आई थिंक ये पिछले कनेक्शन से मूव ऑन करना चाहता है यहाँ आपको नहीं पता नहीं कनेक्शन है किसी के साथ लेकिन वो ठीक नहीं आए थिंक इसने शेयर नहीं करा आपके साथ कभी ना तो दिस इज कान एनर्जी आई एम सींगे है पायल नंबर वन मूव एंड सी एल्स इज़ अप है डिकॉट यू स्टैंड फोर नंबर एंड जेमिन एनर्जी ओके आई थिंक अप्रैल के अप्रैल का महीना या फोर नंबर हो सकते हैं इंपॉर्टेंट सेवन नंबर एंड एरीज जुलाई का महीना है यहाँ अगेन जेमिन एंड वन नंबर सॉरी दिस इज सेवन नंबर अगेन सेवन नंबर एट एंड वर्गो ऑगस्ट फाइनली फोर एंड सैजिटेरियस ओकेट सी एम मोव हैद फ्रॉम द चान्स हु इज दिस पर्सन योर डिस्टैंड पार्टनर जी निकल करके आ रही है आपके पार्टनर की छः पायल नंबर वन ये कुछ म्यूज़िक क्या हो सकता है सॉन्ग गाने शे इनको पसंद हो या सैड सॉन्ग हो सकते हैं बिकॉज दिस इज़ अ कैक्टस हार्ट विच इज़ लाइक जो कि बहुत ही बंजर हो चुका वाला लाइक लिटरली बैरन हार्ट जिसमें उनको लगता है कि कभी मुझे मोहब्बत नहीं मिलेगी बड़ा होपलेस सा हुआ हुआ ये वर्गो? आपके पास डाइस में भी वर्ग आया था फर एवर लव यू ओके <laughs> okay, इनकी तरफ से मैसेज है आई एम नॉट अ चीटर ठीक है अगेन सेवन नंबर यू स्टोल माय हार्ट हनी तो सो मे बी ये पर्सन आपको काफ़ी फैंटेसाइज टाइप ना करता है ड्रीम गर्ल जम दिस इज फ्रेंडशिप एक लोवर है लकचाम हो सकता है ठीक है ये बंदा या बंदी आपके लिए काफ़ी लकी आई थिंक प्रूफ होंगे आम um, यहाँ पे है क्रिकेट सो क्रिकेट लवर हो सकता है यहाँ कोई और स्पोर्ट्स लवर भी हो सकते हैं यहाँ पे है फ्रीडम ठीक है जिस लाइक अ फ्लाइंग लाइक अ फ्रीडम सॉरी फ्री बर्ड ओके तो ये इंसान आज़ादी चाहता है किसी से किसी के कनेक्शन से बाहर आना चाहता है ठीक है लेकिन बिजी इंसान हो सकता है अपने को बिज़ी रखे हुए हैं सब कुछ छुपाने के लिए ये कुछ कलरफुल मेकअप पैलेट्स हैं विच इज़ लाइक लिटरली एक तो इसकी ये हो सकती है एनर्जी कि ये पर्सन आपकी लाइफ को कलर्ड मतलब कलर करना चाहता है आपकी या अपनी ज़िंदगी में और रंग चाहता है ठीक है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही कि किस तरह से मूव ऑन करें लाइफ को करें वो लॉर्ड ऑफ हैंग्स ऑन आई थिंक ये बहुत ही ओवर थिंकर है बहुत ही बड़ा ही ओवर थिंकर है और मतलब ये जल्दी एक्शन नहीं लेता या इस तक है अपने माइंड में कि मैं क्या करूँ मैं कैसे यहाँ से जान छुड़ा के आगे निकलूँ कुछ कुछ ओवर थिंकिंग चल रही है इनकी लेट्स सी नेम इनिशियल्स में भी यू नो योर मैन और वुमेन योर डेस्टाइन पार्टनर लेट्स सी इज दिस थिंग ओके आपके लिए है बी आई जे के योर डेस्टाइन पर्सन क्यू जी वी एंड ई एंड कुछ नंबर्स हैं वन एंड टू वन टू या टू वन जिस तरह से भी ले लें आप ठीक है गस इट फॉर चीजें आक्स्ट टाइम हेलो यू ऑल हलो वेलकम पाइल नंबर टू लेट सी वट इज कम इन फॉर दिस क्रप योर ड स्टैंड पार्टनर फ्यूचर स्पाउस या आपके किस्मत भाग्य में कौन है लेट्स एनर्जी फॉर द स्पाइल नंबर टू सो स्टैंड पार्टनर में आया है नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्स थ्री ऑफ व स्कलरिफाई स्पिरट व्री ऑफिकल्स नाप आपके डिस्टाइन पार्टनर की जो रीडिंग है ना जो एनर्जी है राइट नाउ फुल ऑफ़ फुल ऑन लाइक लिटरली स्कैटर्ड है और स्कैटर्ड इसलिए है क्योंकि ये पर्सन बहुत ही करियर ओरिएंटेड है ठीक है मतलब इसके प्लान्स में बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग है अपने फ्यूचर को लेकर के बिकॉज ये इंसान चाहता है कि इंसान न लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है नॉट रियली really कि एक चीज़ बनना चाहता है जैसे इंसान को एक डिग्री कर रहा होता है ना उसको पता होता है कि भी मैंने अब यही बनना है बिज़नेस पढ़ रहा हूँ तो बिज़नेस या तो बिज़नेस कर लूँगा या फिर कहीं जॉब किसी कॉप्रेट वगैरह तो में कर लूँगा या अगर अकाउंट्स में है तो लाइक उसको पता था मैं अकाउंटेंट ही मेरा जॉब लेकिन ये पर्सन मल्टीपल थिंग्स हैंडल करता है और ये कर कर भी लेगा ठीक है इसके माइंड में इसके प्लान में बहुत सारी चीज़ें हैं योर अंडरस्टैंड पार्टनर इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी माइंड सेट ठीक है इनका माइंड सेट में बहुत आगे जाना है ज़िंदगी में और उसके लिए ये इंसान बहुत वो कर रहा है स्ट्रगल कर रहा है ठीक है बिकॉज नाइन ऑफ पेंटिकल इज़ द वन जो कि इनकी गोल का पीक like है ठीक है ये बहुत लग्जरी लाइफ स्टाइल चाहता है ऐसा इसका ये नहीं कि मटेरियलिस्टिक है लेकिन इसको पसंद है कि अगर मैं अचीव कर सकता हूँ तो आई शुड अचीव दिस यू नो थिंग ठीक है और इसकी हाई मेंटल एबिलिटीज़ हैं पर्सन काफ़ी यू नो स्किलफुल है काफ़ी इंटेलिजेंट you know, है, है क्योंकि यहाँ माइंड एबिलिटीज़ है इस पर्सन की लाइक like, आई डोंट नो आप कैसे हो इंटेलिजेंट हो कि नहीं हो लेकिन ये आपका जिस टाइम पार्टनर है ना रियली दिस पर्सन इज समिंग माइंड वाइज ठीक है और एक से ज़्यादा काम जिंदगी में करेगा दिस इज़ द डेथ एनर्जी एंड द सेवन ऑफ पलिटिकल एनर्जी एंड चारिट एनर्जी या आई थिंक आई डोंट नो वाई आई एम गेटिंग अ चैनल मैसेज मुझे मिले जा रहा है आई थिंक ये पर्सन प्लानिंग कर रहा है ब्रॉड शिफ्ट होने की यहाँ बाहर निकलने की क्योंकि इनके पास कोई डिग्री ऐसी है यहाँ डिग्री नहीं भी है स्टिल ये पर्सन किसी ना किसी तरह से फॉरेन कंट्री से अटैच है ठीक है यहाँ ये जाना चाहता है या ये प्लान कर रहा है स्टडी वीज़ा वर्क परमिट कुछ इस तरह की चीज़ें प्लान कर रहा है ये इंसान मूव ऑन करना चाहता है फ्रॉम देयर करंट सिचुएशन फ्रॉम देर करंट करंट सिटी कंट्री बहरहाल इंसान जहाँ है वहाँ ये सेटिस्फाइड नहीं है हैंगमैन अगेन ओवरथिंकिंग थिंकिंग एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स अपनी मॉम के साथ ये पर्सन काफ़ी अटैच है एस ऑफ सोर्ड्स इनका माइंड ना बिल्कुल क्लियर रहता है कि जिसने क्या करना है ठीक है ये इंसान एक उस पे चलता है मतलब एक उसको बात बता दो कैसे करनी है ये उस पे चलता है इसका माइंड वॉन्डरिंग नहीं करता कि ये तो वो तो वो कभी कुछ कभी कुछ ठीक है टू ऑफ कप्स कमिटेड है ठीक है पॉसिबिलिटी है कि ये आपको मिल चुका हो या अभी रिसेंटली मिला हो आसपास बहुत हाई एनर्जी है आपके पर्सन की सोलमेट हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको मतलब बाहर कहीं डेट वग़ैरह पे ऑफर करें जाने को ठीक है हाइराफेंट एनर्जी विच इज़ लाइक बहुत ही आ, एनर्जी है मतलब बड़ों वाली लाइक फादर फिगर या मदर फिगर ओके काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है ये पर्सन सन एनर्जी में मे बी <laughs> क्वाइट तो, इंटरेस्टिंग पायल नंबर वन पायल नंबर टू इंजीनियर एम सिंह अर्निंग लॉड ऑफ मनी धूप में खड़ा होना डूइंग बहुत सारे काम इकट्ठे बहुत बिजी है ये पर्सन जजमेंट समाव पर्सन इसकी ना मैंटेलिटी मैं आपको बताऊँ पूरे स्टैंड पढ़ने की इसको ना एक पूरा प्रोग्राम चाहिए होता है फुल प्लान इसको ना पूरा वो दो जी, पूरा सिस्टम बना के दो कभी ऐसे 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 है और ऐसे ऐसे चलेगा हालांकि ऑब्वियसली ये चीज़ें प्लान तो नहीं चलती हैं चीज़ें तो गो विद द फ्लो वाला हिसाब होता है कि मतलब जिस तरह से चलती जाए उस तरह से जो आती जाए उनको डील करते रहो टैकल करते रहो लेकिन ये प्लानर है इसको एक प्लान चाहिए पूरा ठीक है इसको सेटिस्फैक्शन के लिए इसको पूरी ना इमेज नज़र आनी चाहिए फ्यूचर की तो मैं भी आपके रिलेशनशिप में भी ये चीज़ ही है पर्सन डिमांड करेगा कि मतलब मुझे एक पूरा प्लान बताओ कि तुमने मेरे साथ शादी करनी है कि नहीं करनी कि किसी और से करनी है या कब करनी है मुझे टाइम फ्रेम दो मुझे लाइक like, श्योरिटी दो कि okay, तुम तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगी कुछ ना ऐसे इश्यूज़ हैं इस पर्सन के ओके okay? तो ये आपको देखना पड़ेगा आप देख लें आप क्या सिस्टम है आप कर सकते हो मैनेज के नहीं ऐसे बंदे के साथ सिक्स ऑफ सोर्स बहुत ही हाई ट्रैवलर है ट्रैवल एनर्जी है हाई इनको इन अ वैन्स एक बात बताऊँ आपको ग्रुप टू प्लीज़ माइंड मत करना लेकिन एनर्जी आ रही है वाइव और मैं बता देती हूँ तो इज़ इस के इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं ऑलरेडी आपका डेस्ट पार्टनर है ना बहुत सारे रिश्ते हैं इनको बहुत सारे लड़के या लड़कियाँ जो भी हैं इन इसको पसंद करती है ठीक है लेकिन सिक्स ऑफ सोर्स की एनर्जी है ये आज तक भी किसी के साथ सीरियस नहीं हुआ सीरियस <laughs> नहीं हुआ भाग जाता है वहाँ से सिक्स ऑफ सोर्स ठीक है छोड़ देता है उस कनेक्शन को बिकॉज मैंने बोला ना बहुत करियर ओरिएंटेड है इसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं इसको जो चाहिए उसको वो नहीं मिला आज तक भी कनेक्शन में इस वजह से भी ये पर्सन आई थिंक ऐसे समझता है कि अभी तक मुझे राइट right पार्टनर नहीं मिला यानी कि जो आप हो ऑफकोर्स तो इस वजह से भी ये पर्सन है किसी एक जगह पे वो, वो सॉन्ग नहीं है वो सलमान खान का हैंग ओवर वाला एक जगह पे कभी रुका नहीं एक जगह पे कभी टिका नहीं है जैसा मैंने चाहा ऐसा मुझे कभी मिला नहीं ये वो वाला हिसाब है इसका सो <laughs> so, खैर लेकिन जब आपको देख लेंगे ना तो रुक जाएंगे एक जगह पे इस तक ठीक है ना एस एंड किंग ऑफ़ पेंटिकल्स अगैन है एक्जैक्टली इनकी जो भगोड़े वाली आदत है ना भाग जाने वाली किंग ऑफ पेंटिकल्स आप ही इसको आप इसको <laughs> कंट्रोल करोगे आपकी मोहब्बत इसको मिलेगी ना ऐसे ऑफ कप्स तो किंग ऑफ पेंटिकल्स बन जाएगार्जी से लाइक समझ आ जाएगी भाई नहीं स्टॉप यहाँ पर ब्रेक लगाओ दिस इज द वन आप कहीं नहीं जाना मेरे को बड़े को भगोड़ा किस्म का भागना लिटलीजन स्के बेस्ट मतलब भाग, <laughs> भाग के सिचुएशन को छोड़ के भाग लेने वाला लेकिन भगोड़ा नहीं है मैं मजाक कर रही हूँ भागने वाला नहीं है लेकिन आपको बोला है ना कि अब नहीं उसकी हो रही इमोशन फुलफ़िलमेंट तो वो क्या करे नहीं सेटिसफैक्शन माइंड सेटिसफैक्शन कैसी होगी जबकि वो उनके रियल पार्टनर है ही नहीं है सेटिसफैक्शन तो उसको आप ही में होनी है ना क्योंकि आपका डेस्ट एंड पार्टनर है जब हैं तो तक आप मिलते नहीं तब तक वे रहा है एक जगह से दूसरी जगह दूसरी जगह से तीसरी जगह ऐसे वॉर्स एंड बैटल्स इसकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स हैं नंबर टू मे बी चाइल्ड हुड प्रॉब्लमेटिक हो या आई या थिंक इसको बहुत ही इंक्लोज इन्वायरमेंट में रखा गया है बचपन से और ये भी इसके इश्यूज हो सकते हैं ट्रस्ट ना करने के ना यूनिवर्स पे सो so, एक इनर चाइल्ड है बेबी है ये अंदर से इसका माइंड बिल्कुल बच्चों की तरह है या कुछ लोगों के केस में हो सकता है सिंगल फादर या मदर हो लेकिन नॉट फॉर एवरीबडी यहाँ पर बेबी जो मुझे चैनल मैसेज है ना दैट इज़ ए इनर चाइल्ड जो कि वॉन्डेड है जिसकी वजह से इनसे है ये ठीक है तो अगेन यहाँ पे ट्रैवल है शिप आया है ट्रैवल इन वो आई थिंक ओवरसीज सीज ट्रैवल है इसका बहुत आना जाना रहता है इतनी एनर्जी नहीं आ सकती ट्रैवल की जो जब से रीडिंग शुरू हुई है तब से ना आए जा रही है हो सकता है ये पीछे से ना किसी विलेज साइड से हो इसकी फैमिली या कोई बहुत ही ट्रेडिशनल लिविंग हो इनके घर बेशक बड़े हवेली टाइप हो सकते हैं ना लाइक कितने मतलब जहाँ से हैं ये पीछे से बिलोंग करते हैं वहाँ इनकी हवेली टाइप बड़े बड़े घर हो सकते हैं पाइसिस एनर्जी है वाटर साइन इमोशनल हो सकते हैं ये पर्सन फूड एंड हंगर कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट सा है ये पर्सन बहुत ही लोगों का सोचने वाला ठीक है बिगर कॉज के लिए काम करने वाला कहना वर्ल्डमैन हंगर है लाइक भूख है पुअर है लोग मुझे हेल्प करनी है ऐसा इसका माइंड सेट है ये वॉन्ट टू मेरी ओके का स्पाउस है यहाँ एंड ट्रीज हीलिंग हीलिंग ठीक है तो आई थिंक बहुत सारी हीलिंग ये आपकी लाइफ में लेके आएंगे आर्ट्स में इसको इंटरेस्ट हो सकता है कोई आर्टिस्ट भी हो सकता है म्यूजिक आई डोंट नो पेंटिंग ड्राइंग जब आई डोंट नो कुछ मे बी ड्रामा आर्टिस्ट या <laughs> कुछ एनर्जी है यहाँ बर इस चीज़ की हाई इन्वॉल्वमेंट है सो ग्रुप नंबर तो आगे हम डाइस पे चलेंगे और देखते व्हाट इज फॉर योर स्टैंड पार्टनर एलेवे नंबर एंड सेजिटेरियस एनर्जी टॉरस एंड सेकंड नंबर सेकंड नंबर इज ऑल अबाउट फैमिन अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ सेकंड है तो दिस पर्सन वुड बी फैमिनिन एनर्जी वाइज बात करो मतलब They are more into receiving and or coffee um, uh, tender and gentle personality. Nine number and the Scorpio energy Aquarius or ten number October Aries and ten number again October. डस्ट एंड पार्टनर अगेन सेकेंड नंबर एंड देर इज़ अ टोरस एनर्जी ओके वो वैड एन सी क्या आपके जो बीस पाउस हैं डस्ट एंड पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी है फ्रॉम द चान्स दिस वायल इज अबाउट ऑल अबाउट लव देखा एरोप्लन यहाँ पर बहुत सारे ट्रैवल है मे बी इन दे कैन बी पायलट इज वेल क्योंकि इतना ट्रेवल और शिप्स एंड यूसी कैप्टन पायलट हो सकते हैं वैल यहाँ पर हैबी म्यूज़िक म्यूज़िक आर्टिस्ट हो सकते हैं म्यूज़िक कंपोजर हो सकते हैं इन्फिनिटी साइन है वैसे तो ये आप इसको एट भी ले सकते हो अगेन म्यूजिक चार्ट ड्रीम गर्ल हो आप इनके फैमिली इशूज फेसिंग फैमिली इशूज टीयर्स ओ मै गॉश वाई आर द्रॉइंग आर यू नो मे बी आपको कैसे रेजोलेटर लाइक वेरी फ्रेंडली बहुत ही फ्रेंडली इनका नेचर है और समाव में भी जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ बहुत ठंड है कोई स्नोफॉल वाला सिस्टम भी होता है इस कंट्री में दे वांट टू कॉल ऑफ द लाइक फाइट अगर आपका कुछ इनके साथ फाइट चले तो ये आपसे सुलह करना चाहते हैं बिज़ी रखें मैं ख़ुद को क्योंकि इनको पता है जितनी देर बिजी रह लूँगा उतना उतना ही मेरे लिए अच्छा है क्योंकि ओवर थिंक नहीं करना चाहते लियो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा या हो सकता है ये फिजिकली देखने में भी टॉल हो सकते हैं या काफ़ी स्ट्रॉन्ग मस्कुलर हो सकते हैं ट्रिपल वन डिवाइन अलाइनमेंट नीड टू क्लेम दिस नंबर ट्रिपल वन ट्वेल्व नंबर कमिंग डिसम्बर बहुत इंपॉर्टेंट है कमिंग डिसम्बर कैंडल लाइट इनर फ्रीडम ये बंदा ये बंदी जहाँ पर भी स्टेक है वहाँ उस एनर्जी से बाहर आना चाहता है ओके वेल दे मिस यू एंड यू नो काफ़ी चीज़ें लवली हो रही हैं यहाँ अलेवन नंबर मास्टर नंबर 11 एंड गाइस कमिंग नवंबर एंड दिसंबर बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए कुछ लोग के में टू थाउजेंड 2011 एंड 2012 में कुछ हुआ था इस याद करें कि इलेवन एंड 12 में कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ था इनसे रिलेटेड आपको शायद याद आ जाए काफ़ी देर होगी अभी तो खैर um, रेनी रेन लाइट यू नो लाइटनिंग और जो सारी वो जो जस्मानी बिजली होती है आई एम सींग डैट थिंग मे बी इनकी जगह पर आजकल बहुत बारिश हो रही है या सीजन चेंज हो रहा है आई थिंक इसमें आपको बहुत मिस कर रहे हैं एंड आई लव यू दिस इज़ लव रोज़ ओके लिप्स की दर्जी आई है मे बी आपके लिप्स इनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं एंड आई लव यू गैनमेंट अलाइनमेंट एंड टे तीनों महीने कंसेप्टिवली अक्टूबर नवम्बर एंड दिसंबर हाईली हाई हाई इंपॉर्टेंट फॉर दिस कनेक्शन पाइल नंबर टू ओके यहाँ पर रेड रोज़ अगैन है बहुत सारी मोहब्बत है इनकी आपके दिल में इनके दिल में आपके लिए अगेन यहाँ पर इमोशंस हैं बहुत सारी बिकॉज दिस इज़ फिश फिश इज़ ऑल अबाउड इमोशंस ठीक है लेकिन अगैन यहाँ पर फिश एक और चीज़ भी जो है ना इंडिकेट करती है दैट इज़ लाइक इस्केपज़म भाग जाना सिचुएशन छोड़ के भाग जाना इसी मैदान छोड़ के ठीक है तो आई थिंक ये पर्सन कहीं से निकलने की कोशिश कर रहे हैं हाफ फ्लैक्सीबल दिस फिश इज़ लाइक ये कुछ रास्ते ढूंढ रहे हैं कि मैं कैसे निकलूं ठीक है लेकिन यह है कि आप कोई भूल नहीं सकते भूल ये पा ही नहीं सकते आपके साथ इन्होंने रहना है और ये चाह रहे हैं कि मैं कभी भी जो है ना छोड़ गए आप इसको मत जाओ ओके नेमाशल रह गए वेट हियर जस्ट सी द नेमाशल ऑफ योर पर्सन This time, partner for pile number two. Two more. Okay, let's see the name initials for this crop. You're getting K, B, Y. I'm hearing Kabir. I think Kabir. X V N N वरुण ओके यहाँ पे दो नंबर है टू सेकेंड नंबर वीर वरुण कुछ इस टाइप का नंबर वी से हो सकता है जी यू एंड अगेन वन नंबर भी आया है डी एम डी एम Maybe Instagram pekush dm inap kuka bikyao. Well this is a L O V and E. This is a love. Hai na? This is love. F and I. Alright, so that's it for today. I'll see you next time. Take care and bye bye.